ये देखिए एकदम जबरदस्त वाला बिहारी मटन बनेगा, और इसका साथ खाने के लिए अपन मक्का का रोटी भी बनाएंगे। ये देखिए क्या लग रहा, देखिए जबरदस्त। पूना के पास गया नहीं खुशबू? आ गया भैया, मैं रोटी पकड़ के रेडी है खाने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू रंजस कुकिंग शो। तो चलिए आज बनाएंगे मक्का रोटी का साथ बिहारी मटन। ये देखिए आ गया एकदम ताजा वाला मटन, इसको अच्छा सा धो लेंगे। देखिए बिहारी मटन बनाना बोलते इस तरह हड्डी का साथ मटन लेना, खाने में एकदम बढ़िया रहेगा। ये देखिए मटन एकदम अच्छा सा धोना हो गया, तो चलिए इसको पानी से निकाल देंगे। अभी इसमें मिलाएंगे पूरा मसाला। सबसे पहले डालेंगे अपन अदरक लहसुन का पेस्ट पूरा एक चम्मच, क्योंकि अपन इसमें बहुत सारा लहसुन डालने का है, तो एक चम्मच में काम चल जाएगा। अभी चलो अभी इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। कितना डालना भैया? डालो दो चम्मच बस, होता बस हो जाएगा। ये आ गया नमक, ये भी जाएगा पूरा दो चम्मच। दो चम्मच हल्दी, एक आधा चम्मच मटन मसाला, एक ही चम्मच बस, आधा चम्मच जीरा पाउडर है वो। ये आ गया जीरा पाउडर, ये आ गया धनिया पाउडर। कितना भैया? डेढ़ चम्मच। पूरा पांच लहसुन ऐसा जाएगा बस, बस थोड़ा ही डालो। और सूखा मिर्च, अब डाल देंगे दही, पुदीना का पत्ता और धनिया पत्ता अब नहीं बस। अब इसको बढ़िया सा मिलाना है, प्याज को काटो जब तक फ्राई बनाना है। ठीक है भैया। ये देखिए एकदम जबरदस्त वाला बिहारी मटन बनेगा, और इसका साथ खाने के लिए अपन मक्का का रोटी भी बनाएंगे। इसको मटका में बनाएंगे नहीं तो कुकर? नहीं नहीं मटका में नहीं, इसको कुकर में डालेंगे आज, क्योंकि अपन को जल्दी होना आज, तो सिर्फ 20 मिनट में और 6 सीटी का साथ बन जाएगा ये बिहारी वाला मटन। रोटी भी मटका में बनाएंगे तो कुकर में बनाते भैया? रोटी कुकर में नहीं, धूप में सुखाएंगे। कुकर में रोटी कैसा बनता है जी? नहीं इसके गांव में ऐसे बनाते। ये देखिए इसमें मसाला अच्छा सा मिलान हो गया, इसको अपन मैरिनेशन में नहीं रखेंगे क्योंकि इसको डालना है कुकर में। तो पुनः प्याज काटो और कुकर का अंदर ही फ्राई बनाओ सरसों तेल के साथ। चलिए प्याज को फ्राई करने के लिए यहाँ पर रखेंगे कुकर। यहाँ पर चूल्हा को देखिए एकदम बढ़िया जुगाड़, टीन का चूल्हा है। अब डालेंगे इसमें सरसों तेल, सरसों तेल में बनेगा बिहारी मटन। थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि अपन मटन में भी तेल मिलाए और मटन में भी चर्बी से तेल निकलेगा। और ये देखिए तेल एकदम अच्छा सा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे अपन पानी का छींटा, क्योंकि इसमें जो कड़वापन रहता है पूरा निकल जाएगा। पानी का छींटा लगाए तो इसमें जो कड़वापन पूरा निकल जाएगा और मटन का स्वाद जबरदस्त रहेगा। डाल दो ना भैया गरम मसाला। डाल दो अभी, डाल दो। ये आ गया गरम मसाला और प्याज भी डालो जब का जब, नहीं तो जल की राख बन जाएगा पूरा। प्याज एकदम बढ़िया सा फ्राई हो रहा। अब डाल देंगे इसमें टमाटो। ये आ गया टमाटो, एक बार मिला देंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ये जल्दी पक जाएगा। देखिए आधा चम्मच नमक डाल देंगे। और इसको 5 मिनट तक बढ़िया सा फ्राई बनाएंगे। ये देखिए प्याज और टमाटर बढ़िया सा फ्राई हो गया। अब डाल दो इसमें मटन। मटन अच्छा सा इसमें मिलाना हो गया, अब इसमें डालेंगे अच्छा सा मिलाएंगे। ये देखिए क्या लग रहा, देखिए जबरदस्त बढ़िया सा मिला देंगे। और इसमें डाल देंगे अपन मसाला का पानी। और पकने तक यहाँ पर हम दूसरा चूल्हा लगाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे मक्का का रोटी। लगाओ भैया लकड़ी लगाओ। हाँ यहाँ पर एक है ना, एक से चलेगा काम। और दूसरा है लेकर फटाफट। तो चलिए इसमें डाल देंगे मसाला का पानी। अब इसको एक बार अच्छा सा मिलाएंगे। ये देखिए अब लगा देंगे ऊपर से कुकर का ढक्कन। आग तो रेडी हो गया, इसके ऊपर रखेंगे तवा। अब लगा देंगे कुकर का ढक्कन और इसको पूरा 6 सीटी के लिए रख देंगे चूल्हा के ऊपर, जब तक
रोटी के लिए मक्का का आटा को बढ़िया सा मिलाएंगे। ये देखिए आ गया मक्का का आटा, अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक। मक्का का आटा को मिलाने के लिए यहाँ पर थोड़ा गर्म पानी करेंगे। एक मिनट, नमक को अच्छा सा मिला देना सबसे पहले। हाथ धो आटा भैया। डालो थोड़ा थोड़ा करके डालो, कम से कम 4-5 रोटी बनाना है इससे। अब डालो और थोड़ा डालो। अभी तक पूरा एक विजिल हो गया और 5 विजिल आने तक वेट करेंगे। ये देखिए तो बढ़िया सा गूथना हो गया, तो चलिए इसको अभी बेलन करेंगे। और इसको अच्छा सा बेलन करेंगे। ये देखिए इसको इस तरह बेलन करने के बाद इसका ऊपर प्लेट रख के बढ़िया सा काट देंगे इसको। यहाँ पर देखिए तवा एकदम गर्म हो गया, अब डाल देंगे इसमें रोटी, इसको बढ़िया सा सेकेंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए तो बढ़िया सा सेकना हो गया, अब इसको ले लेंगे प्लेट में। ये देखिए अब तो 6 सीटी आ चुका है, तो जरा इसको नीचे उतार देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए तो अच्छा सा ठंडा हो गया, तो चलिए इसके ऊपर से ढक्कन को खोलेंगे। ये देखिए क्या खुशबू आ रहा जबरदस्त। और यहाँ पर देखिए मटन को देखिए, हड्डी से पूरा अलग हो जा रहा, तो उसका मतलब एकदम बढ़िया सा पक चुका है। ओए ओए क्या लग रहा है, देखिए बेहतरीन खुशबू। देखो खुशबू एक बार, खुशबू तो जबरदस्त है। पूना के पास गया नहीं खुशबू? आ गया भैया, मैं रोटी पकड़ के रेडी है खाने के लिए। तो चलो फिर लेके आओ, प्लेट लेके आओ। ये क्या गया? तुम भैया उधर से जा रहे थे अच्छा सा था, तुम इधर उधर ऐसा हो गया। पहले तुम्हारे को रोटी बनाने को नहीं आता था ना? कहीं को नहीं आता भैया। कितना बार सीख रहा था, भी नहीं सीख रहा था। तो जरा इसको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त वाला बिहारी मटन रेडी। अभी ऊपर डाल देंगे धनिया पत्ता, अभी इसमें ले लेंगे मटन, वो भी बिहारी वाला। लहसुन होना पोना? लहसुन तो होना ही होना पोना, पोना को जरूरत नहीं है। आगे मटन है, लहसुन कहीं को भैया? लहसुन खाना जी पोना। अच्छा। बिहारी मटन बोले तो लहसुन रहना उसमें। अच्छा। उसको आदत नहीं है ना। अब खाएंगे मक्का रोटी का साथ बिहारी मटन। ये देखिए कितना अच्छा सा पक चुका है। इसी तरह देखिए मटन तो एकदम बढ़िया सा पक चुका है, और रोटी भी देखिए कितना कड़क बन गया, रोटी भी एकदम जबरदस्त बन गया। गरम गरम में कहे तो उसका टेस्ट और अलग है। वही गरम गरम में खा रहा ना, एकदम मजा है लहसुन को इस तरह। तो चलिए फिर हम भी इस तरह खाते रहेंगे और मिलेंगे एक जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।